आज का हमारा वीडियो बेस्ड है सर्किट मॉडलिंग ऑफ एन इंडक्शन मोटर। इंडक्शन मोटर के अंदर सर्किट कैसा बनता है, क्या उसके स्टेटर का सर्किट होता है, क्या उसके रोटर का सर्किट होता है, और उसका फंक्शनिंग किस तरीके से होती है, और क्या उसके कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, ये सब हम आज पढ़ने जाएंगे। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा आप, पूरा डिटेल में आज हम स्टडी करेंगे। इसके बाद जो वीडियोस आएंगे उनके अंदर भी हम बहुत डीप स्टडी करने वाले हैं। तो आप क्या करिएगा कि इन वीडियोस को पूरा पूरा देखिएगा, समझ में नहीं आए तो मुझसे पूछिएगा, कोई डाउट हो तो हम उसके लिए भी वीडियो बना करके आपको दे देंगे ताकि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो। सबसे बेसिक जो चीज़ है वो आपको पता होनी चाहिए, उसके लिए आप पहले वाले वीडियोज़ देख सकते हैं। अगर आपको नहीं समझ में आता है तो आप फिर से पूछिए। तो बेसिक चीज़ जो है, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि जब भी आप इंडक्शन मोटर का वीडियो देखने आएँ, या फिर जैसे ही मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ और आप उस वीडियो को देख रहे हो, तो उससे पहले आप अपने माइंड में एक फ्रेम कर लें, एक बात फ्रेम कर लें कि वो मैंने आपको बताई है, बार बार बताई है, और मैं फिर से बताता रहूँगा कि ये आपका रोटर है, ये आपका स्टेटर है, इसके अंदर पोल्स होते हैं, उनके अंदर वाइंडिंग्स लगी होती है जो कि हम 3 फेज सप्लाई देते हैं। रोटर दो तरीके का होता है, स्क्विरल केज रोटर होता है, वाउंड रोटर होता है। स्क्विरल केज रोटर के अंदर कंडक्टर्स बार लगी रहती हैं जिनको हम स्क्यू कर देते हैं, और यहाँ पर कंडक्टर बार लगाते हैं, यहाँ पर हम एंड रिंग्स के साथ इनको जोड़ देते हैं जो कि यहाँ पर शॉर्ट सर्किटेड होती है, एल्यूमिनियम की हो सकती है या कॉपर बार हो सकती है। इनके अंदर रेजिस्टेंस वेरी नहीं किया जा सकता, सिर्फ और सिर्फ इन कंडक्टर्स को वेरी कर सकते हैं, ये कम ज़्यादा हो सकते हैं। इसके कुछ एडवांटेजेस है, इसके कुछ डिसएडवांटेजेस है। इसके बाद अगर हम वाउंड रोटर की बात करें, तो उस वाउंड रोटर के अंदर वो सिंपल सा ऐसा स्ट्रक्चर होता है, एक आर्मेचर होता है जिसके अंदर स्लॉट्स बनाए जाते हैं, उस स्लॉट्स के अंदर कंडक्टर बार्स को रखा जाता है, ये सीधा सीधा शाफ्ट के ऊपर पुट कर दिया जाता है। यहां पर आपकी स्लिप रिंग्स लगाई जाती है जिनको ब्रशेस के साथ रेजिस्टेंस के साथ जोड़ दिया जाता है। रेजिस्टेंस के कुछ अलग फायदे होते हैं, वो स्टार्टिंग टॉर्क देने के लिए काम में आता है, स्पीड को रेगुलेट करने के काम में आता है। इसमें और इसमें कौन सा ज़्यादा सही है और कौन सा कम सही है, ये भी आप उस वीडियो के अंदर देख सकते हैं जिसके अंदर मैंने कंस्ट्रक्शन आपको बताया है। तो सबसे पहली बात तो हो गई रोटर की, स्टेटर की मैंने आपको बात बता दी। यहाँ पर आपका शाफ्ट लगा होता है। तो अब क्या होता है कि जैसे आप इसको 3 फेज सप्लाई देते हो, यहाँ पर एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है, वो मैग्नेटिक फील्ड जब यहाँ पर घूमता है तो रोटर कंडक्टर्स को जब कट करता है तो इनके इनके अंदर एक EMF प्रोड्यूस होता है जिसकी वजह से इनका भी एक मैग्नेटिक फील्ड बनता है, और जब दोनों मैग्नेटिक फील्ड आपस में कट करते हैं तो यहाँ पर एक टॉर्क डेवलप होता है जो टॉर्क इस रोटर कंडक्टर्स को घुमाने के लिए काम में आता है। और यहाँ पर जब ये रोटर घूमने लगता है तो ये शाफ्ट घूमने लगता है, और जब शाफ्ट घूमने लगता है तो हमको एक आउटपुट मिल जाता है। तो इंडक्शन मोटर का जो बेसिक फिनोमेना है कि आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी दे करके मैकेनिकल एनर्जी आप बाहर ले सकते हो, तो वो यहाँ पर फुलफिल कर देता है। इतनी सी बात आपको यहाँ पर याद रखनी है, अगर ये बात आपको पता नहीं है तो आप इंडक्शन मोटर का चैप्टर आगे नहीं पढ़ सकते हो, आपको वहाँ पर कुछ समझ में नहीं आएगा, आपको ये बात तो पता होनी ही चाहिए। और इस बात का पता होने का फायदा एक और है कि आपको कोई सा भी क्वेश्चन वहाँ पर पूछ ले, यूनिवर्सिटी एग्जाम्स की अगर अपन बात करें तो आपको किसी भी तरीके का क्वेश्चन पूछ ले। जैसे कि आज हमने बात करी सर्किट मॉडल ऑफ इंडक्शन मोटर, तो अगर आपको आंसर लिखना है तो सबसे पहले आप ये बात चिपका दीजिए वहाँ पर कि हमारा जो बेसिक प्रिंसिपल है वो क्या होता है। अगर आपको बात कर ले वहाँ पर कि टॉर्क की, तो आप टॉर्क के लिए भी ये बात चिपका सकते हो। कंस्ट्रक्शन की बात कर ले, प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन पूछ ले, आगे आपके टेस्ट पूछ ले, लॉसेस पूछ ले, कुछ भी पूछ ले, आप प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन वहाँ पर हर जगह लगा सकते हो। तो ये एक एडवांटेज हो गया कि आप वहाँ पर ज़्यादा लिख सकते हो, तो इसलिए आपको ये बात पता होनी चाहिए, और नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपको पता होनी ही चाहिए क्योंकि ये सबसे बेसिक बात है। तो मैंने अपने 3 से 4 मिनट तो इस बात को बताने में लगा दिए, तो आप सोचिए कि मैं अपने हर वीडियो में ये बात ज़रूर बता रहा हूँ, तो आपको ये पता होनी ही चाहिए, होनी ही चाहिए। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस बात को अपने माइंड में पहले फ्रेम कर लें, ताकि अगर मैं आपको कुछ भी बताऊँ, अब मैं यहाँ पर स्टेटर का सर्किट मॉडल बनाऊंगा, तो आपके पास अगर ये माइंड में ये बात होगी तो आप यहाँ पर इसको आसानी से समझ जाएंगे। मैं आगे कई बातें बोल दूंगा कि जैसे यहाँ पर पोल्स को चेंज करने में, अगर मैं स्टेटर के पोल्स चेंज कर दूँ तो उससे भी स्पीड रेगुलेट हो सकती है। अब अगर आपके माइंड में ये बात नहीं है कि यहाँ पर जो है, यहाँ पर पोल्स लगे होते हैं, उनके इर्द गिर्द यहाँ पर वाइंडिंग्स को लगाया जाता है, ये पोल्स किस तरीके से अरेंजमेंट होते हैं, तो आपको बात समझ में नहीं आएगी। अगर मैं कुछ कह दूँ कि यहाँ पर कंडक्टर्स को चेंज करा जाता है या स्क्यू क्यों रखा जाता है, अगर आपको बात पता नहीं होगी तो आपको समझ में नहीं आ सकता। तो इसलिए मेरी रिक्वेस्ट है कि आप ये चीज़ फ्रेम करके रखें। आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। तो
तो वीडियो के अंदर सबसे पहली बात तो मैंने आपको पहले बताया कि इंडक्शन मोटर जो है ये ट्रांसफार्मर से मिलता जुलता कॉन्सेप्ट है। मतलब जो ट्रांसफार्मर के अंदर जो बातें होती है, जैसे ट्रांसफार्मर के अंदर एक प्राइमरी साइड होती है, एक सेकेंडरी साइड होती है। इधर आपने प्राइमरी साइड लगा दिया और इधर आपने सेकेंडरी साइड लगा दिया, बीच में कुछ एयर गैप रह गया जहाँ पर आपका म्यूचुअल इंडक्शन काम करता है, ठीक है। उसी तरीके से इसके अंदर भी प्राइमरी साइड को हम स्टेटर बोल देंगे और सेकेंडरी साइड को हम रोटर बोल देंगे। प्राइमरी वो ट्रांसफार्मर की तरह क्यों काम करता है, क्योंकि ये भी एक इंडक्शन बेस्ड टॉपिक है। यहाँ पर भी जो आपकी बातें हो रही वो इंडक्शन पर डिपेंड होती है, और यहाँ पर जो टर्न्स रेशियो होता है वो एग्जैक्टली आपको उसका जैसा ही मिल जाता है जैसा कि आपके ट्रांसफार्मर के अंदर होता है। तो मेन चीज़ जो आपको ध्यान में रखनी है वो आपको इस सर्किट बनाने के लिए ट्रांसफार्मर का थोड़ा सा नॉलेज होना जरूरी है। ट्रांसफार्मर का वीडियो भी अगर आप देखना चाहते हो तो आप देख सकते हो। मैं आपको बता देता हूँ कौन सा वीडियो आपको देखना है। आपको एक तो नो लोड ट्रांसफार्मर देखना है, उसके अंदर आपको पता लगेगा कि आई नॉट क्या होता है, आई डब्ल्यू और आई म्यू क्या होता है। मैं यहाँ पर भी आपको बताऊंगा, लेकिन वो वीडियो देख लेंगे तो आप थोड़ी आसानी रहेगी। दूसरा आप फुल लोड ट्रांसफार्मर देख सकते हो, वहाँ पर मैंने पूरे सर्किट डायग्राम बना रखे हैं। तो अगर हम सबसे पहले स्टेटर की बात कर लें तो स्टेटर के अंदर अपन सप्लाई देते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हमने दे दिया आपको सप्लाई, मान लीजिए मैंने V1 दे दिया यहाँ पर, ठीक है। इसके बाद क्या होगा, अपन ऐड करते हैं रेजिस्टेंस, जो कि वाइंडिंग्स के अंदर रेजिस्टेंस होगा वो रेजिस्टेंस ऐड कर दिया। दूसरा हमने लीकेज रिएक्टेंस ऐड कर दिया। लीकेज रिएक्टेंस आपको वहाँ पर भी बताया कि एक फिक्शियस क्वांटिटी है, मतलब एक इमेजिनरी क्वांटिटी है, ये एग्जिस्ट नहीं करता है, सिर्फ हम यहाँ पर शो करने के लिए दिखाते हैं यहाँ पर कि हम यहाँ पर कैलकुलेशंस कर सके, ऐसा कुछ होता नहीं है। रेजिस्टेंस होता है वहाँ पर, लेकिन ये ऐसा कुछ होता नहीं है। आपके लॉसेज होते हैं उनको ही आप यहाँ पर दिखाने की कोशिश करते हो। उसके बाद आपने यहाँ पर नो लोड करंट शो कर दिया। ये करंट मैंने यहाँ पर दिखाया आई नॉट, इसके दो पार्ट होते हैं, एक आपका आई डब्ल्यू और एक आपका आई म्यू। अगर मैं आई डब्ल्यू की बात करूँ तो वो रेजिस्टेंस से होकर के गुजरता है, क्योंकि ये आपका वर्किंग कंपोनेंट होता है जो कि कोर लॉसेस प्रोड्यूस करने के काम में आता है। और जो आपका ये वाला होता है ये आपका मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट होता है, ये आपका फ्लक्स प्रोड्यूस करने के काम में आता है। इसको अगर हम और नीचे कर लें तो इस तरीके से हम यहाँ पर डायग्राम बनाएंगे। इसके बाद हमने यहाँ पर वाइंडिंग शो कर दी, और ये लीजिए आपने यहाँ पर बनाया आई डब्ल्यू और यहाँ पर बनाया आपने आई म्यू। इसको आपने शो कर दिया एक्स नॉट, इसको आपने शो कर दिया आर नॉट। यहाँ पर आपने लिख दिया एक्स वन और यहाँ पर आपने लिख दिया आर वन। क्योंकि ये स्टेटर सर्किट है तो मैंने इसको सारी क्वांटिटीज़ वन के थ्रू शो कर दी है। यहाँ पर जो मेरा ईएमएफ मिला मुझे वो मुझे E1 मिल गया, ठीक है। तो मैंने सारी क्वांटिटीज़ को वन के रेस्पेक्ट में शो कर दिया है। कोई प्रॉब्लम हो तो आप पूछिएगा। ये सर्किट देखिए, एक चीज़ मैं आपसे और पूछ लेना चाहता हूँ कि एक तो मैंने अभी सर्किट आपके सामने बनाया, एक मैं ये सर्किट पहले से बना करके रख सकता था और आपको डायरेक्टली समझा सकता था। तो अगर आपको उसमें ज़्यादा बेटर फील होता है तो वो कर लेंगे, और इसके अंदर ज़्यादा सही लगता है तो आप ये भी कर सकते हैं हम, ठीक है। तो R1 जो है वो आपको पता लग गया वाइंडिंग रेजिस्टेंस हो गया, X1 जो है वो आपको पता लग गया कि आपका लीकेज रिएक्टेंस हो गया, आई नॉट जो है ये आपका नो लोड करंट है, इसको आप यहाँ पर लिख सकते हो कि ये नो लोड करंट है। देखिए जो ट्रांसफार्मर के अंदर नो लोड करंट होता है वो आपका होता है 2 से 5% तक, लेकिन जो इंडक्शन मशीन में, इंडक्शन मोटर में जो आपका नो लोड करंट होता है वो होता है 25 से 40% तक, ठीक है। 25 से 40% होने का कारण होता है एयर गैप, कि इसका जो एयर गैप्स है उसके अंदर रिलक्टेंस ज़्यादा होता है, ठीक है। तो इस वजह से यहाँ पर 25 से 40% तक इसका नो लोड करंट हो जाता है, ठीक है। इसके दो कंपोनेंट करे हमने, एक आई डब्ल्यू करा, एक आई म्यू करा। जैसा कि ट्रांसफार्मर के नो लोड वाला वीडियो आप देखेंगे तो उसके अंदर आपको पता लगेगा कि जो आई म्यू होता है ये मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट होता है। यहाँ पर हम शो करते हैं आई नॉट के दो पार्ट मैंने कर दिए, एक मैंने कर दिया आई डब्ल्यू एंड सेकेंड वन इज आई म्यू। सो अगर हम बात करें आई म्यू की तो ये हो जाएगा आपका मैग्नेटाइजिंग कॉम्पोनेंट, कि आपके अंदर जो कोर है, जो स्टेटर है, उसके अंदर आपका मैग्नेटाइज कर रहा है, आपके फ्लक्स बनाने का काम कर रहा है। ये आपका रिएक्टिव कंपोनेंट होता है, ये आपको वॉट वॉटलेस कंपोनेंट होता है, ये भी आप इसको बोल सकते हो, ठीक है। ये आपका होता है वर्किंग कंपोनेंट, ये आपके कोर लॉसेस करने के काम में आता है। कोर लॉसेस
इस तरह से लॉसेज, एडी करंट लॉसेज इस वाले कंपोनेंट की वजह से होते हैं, और ये आपका वॉट फुल कंपोनेंट होता है, मतलब ये आपके पावर को कंज्यूम करता ही करता है। इसलिए ये आपका जो आई म्यू है, ये आपके फ्लक्स के साथ फेज में होता है, जबकि ये आपके वोल्टेज के साथ फेज में होता है, ईएमएफ वोल्टेज के साथ फेज में होता है, और इनका जो फेजर डायग्राम है वो कुछ इस तरीके का बनता है, और यहाँ पर आपको इनका रिजल्टेंट मिल जाता है जो कि आई नॉट होता है। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो स्टेटर का कंस्ट्रक्शन अगर हम समझने की फिर से ट्राई करें, तो आपको बता देता हूँ कि R1, X1, आई नॉट समझ लिया, IW हो गया, आई म्यू हो गया, एक्स नॉट जो है वो आपका जो फ्लक्स, जो आपका अभी यही जो मैंने बात बताई आपको कि यहाँ पर आर नॉट जो है वो आपका कोर लॉसेस को डिनोट करेगा, और जो एक्स नॉट है वो आपका मैग्नेटाइजिंग जो कंपोनेंट है उसको आपका डिनोट करेगा आपका। उसके बाद आपने वाइंडिंग बनाई, E1 बना लिया, ये आपके स्टेटर का कंस्ट्रक्शन हो गया। स्टेटर जो है बहुत ही सिंपल सी बात है, जो ज़्यादा बातें होंगी वो आपके रोटर में होगी, तो हम रोटर सर्किट की अब बात करते हैं। चलिए देखिए रोटर सर्किट के अंदर क्या, देखिए रोटर सर्किट के अंदर ये होता है कि आपने स्टेटर को दी 3 फेज सप्लाई, ठीक है, उसके बाद EMF बना, फ्लक्स बना, मैग्नेटिक फील्ड बनी, वो आपके एयर गैप के थ्रू रोटर तक पहुंची, वो पावर आपके रोटर तक पहुंची, फिर आपका रोटर घूमना चालू हुआ, आपके रिलेटिव मोशन स्टार्ट हुआ, रिलेटिव मोशन जब स्टार्ट हुआ तो आपके पास वहाँ पर EMF जनरेट होने लगा, धीरे धीरे आपका स्लिप वहाँ पर आया, स्लिप पहले से था लेकिन स्लिप कम होता गया और आपका रोटर ज़्यादा तेज़ी से घूमने लग गया। फिर उसके बाद वहाँ पर जो चीज़ें हैं वो चेंज होने लग गई, क्योंकि आपकी सारी बातें किस पर डिपेंड करती है रोटर की, सिर्फ और सिर्फ स्लिप पर, स्लिप ज़्यादा होगा या स्लिप कम होगा उस पर पूरी चीज़ें डिपेंड करती है। स्लिप अगर 1 होगा तो आपका रोटर स्टैंड स्टिल कंडीशन पर होगा, स्लिप अगर 0 होगा तो आपका रोटर सिंक्रोनस स्पीड पर घूमता हुआ आपको दिखेगा। तो मेन चीज़ जो है वो स्लिप है। तो अगर हम स्टैंड स्टिल की बात कर लें, तो रोटर के अंदर आप अगर बात कर लो स्टैंड स्टिल कंडीशन की, तो आप यहाँ पर जो EMF आपको मिलेगा वो कितना मिलेगा, E20, ठीक है, ये स्टैंड स्टिल के लिए शो कर दिया है मैंने। तो इस स्टैंड स्टिल कंडीशन में जो EMF मिलेगा उस कंडीशन को मैं क्या बोल सकता हूँ, उस कंडीशन का जो नाम है उसको मैं लॉक्ड रोटर बोल सकता हूँ, या फिर मैं ब्लॉक्ड रोटर कंडीशन भी बोल सकता हूँ। ये आपसे पूछा जा सकता है या आपको डायरेक्टली यही बोला जा सकता है कि लॉक्ड रोटर कंडीशन का EMF ये है और इतना इतना ये सब कुछ है, फिर आपको क्वेश्चन दे दे तो आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए, ठीक है। अब ये आपका स्टैंड स्टिल कंडीशन का EMF हो गया, तो ठीक है। उसके बाद अगर आप स्टैंड स्टिल कंडीशन में और चीज़ें भी देखना चाहें तो आप देख सकते हो कि जैसे R2, देखिए 2 हम यूज़ कर रहे हैं स्टेटर के लिए, तो R2 जो हो गया ये आपका रेजिस्टेंस हो गया। उसके बाद आप X20, ये आपका लीकेज रिएक्टेंस हो गया जो कि स्टैंड स्टिल कंडीशन में है, इसको आप ओमेगा L2 लिख सकते हो, ओमेगा को आप 2 πf2 L2 लिख सकते हो, ठीक है, यहाँ पर बात समझ में आ गई। उसके बाद आपने लिख दिया मान लीजिए Z20, तो इसको आप क्या लिख सकते हो, R2 + jX20, ये लिख सकते हैं, पता है आपको बात। उसके बाद आप अगर I20 लिखेंगे तो क्या होता है, I ओम्स लॉ के हिसाब से भी आप लगा सकते हो यहाँ पर, तो आपका हो गया IE20 / Z20, टोटल वोल्टेज मतलब टोटल EMF / टोटल इम्पिडेंस, ठीक है। अब अगर इसको और सिंप्लीफाई कर लें तो E20 तो E20 हो जाएगा, लेकिन Z20 की जगह आप क्या लिख सकते हो, R2 + jX20, ठीक है। चलिए पावर फैक्टर की बात भी कर लेते हैं, पावर फैक्टर जो है वो क्या होता है, R2 / Z20, तो R2 / Z20 की जगह ये लिख दो, या फिर आप यहाँ पर अंडर रूट लगा करके जे को हटा भी सकते हो, ठीक है। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी, बहुत ही सिंपल सी चीज़ है ये, मैंने स्टैंड स्टिल कंडीशन की बात कर ली। अब मैं इसका डायग्राम आपको बना देता हूँ, बहुत ही सिंपल डायग्राम है, जैसे कि हमारे ट्रांसफार्मर के अंदर सेकेंडरी था वैसे ही यहाँ पर हमारा रोटर हो जाएगा। तो आपके देखिए यहाँ पर आपका मिला आपको EMF, यहाँ पर अगर आप स्टैंड स्टिल की बात करेंगे तो यहाँ पर E20 होगा, और अगर अभी इसको छोड़ देते हैं, बाद में समझेंगे इसको। सबसे पहले आपने यहाँ पर बनाया लीकेज रिएक्टेंस, ये आपने बनाया रेजिस्टेंस एंड दिस। अब अगर यहाँ पर बात करें तो करंट आया I2, लीकेज रिएक्टेंस हो गया, इसको भी छोड़ देते हैं, और यहाँ पर आपका ये रेजिस्टेंस हो गया।
अब जैसे कि हमने बात करी कि स्टैंड स्टिल कंडीशन में तो सारी चीज़ें बहुत ही सिंपल थी, लेकिन अगर मान लीजिए वहाँ पर स्लिप 1 से कम हो गया, मतलब जो रोटर है और जो स्टेटर का मैग्नेटिक फील्ड है उनके अंदर रिलेटिव मोशन अब कम हो रहा है, मतलब वो स्टैंड स्टिल कंडीशन में नहीं है, जो रोटर है वो घूमना स्टार्ट कर दिया है, तो उस टाइम पर क्या होगा? अब सारी चीज़ें स्लिप पर डिपेंड हो जाएगी। जैसा कि हमने फ्रिक्वेंसी का डेरिवेशन करा था कि जो F2 है, जो रोटर की फ्रिक्वेंसी है, वो जो स्टेटर वाली फ्रिक्वेंसी है उस पर कुछ इस तरीके से डिपेंड करता था, तो यहाँ पर ये स्लिप पर डिपेंड करता था। अगर स्लिप 1 हो गई तो F2 इज इक्वल्स टू F1 हो जाता था, अगर ये 0 हो गया तो F2 बराबर 0 हो जाता था। उसी तरीके से यहाँ पर EMF जो है वो अब E2S जो है, जो स्लिप पर जो EMF है, किसी भी स्लिप पर, स्लिप कितना भी हो सकता है, उस पर जो EMF है वो अब SE20 हो जाएगा। ठीक है, बहुत ही सिंपल सी चीज़ है, इसको कॉम्प्लिकेटेड करने का कोई ज़रूरत नहीं है, आपको सीधा सा फॉर्मूला याद रखना है बस। तो E2S मतलब किसी भी स्लिप पर जो EMF है वो आपका SE20 हो जाएगा, जैसे कि फ्रीक्वेंसी है वैसे यहाँ पर आप EMF को भी डिनोट कर सकते हो। उसी तरीके से आप रिएक्टेंस को भी डिनोट कर सकते हो, जैसे X2S हुआ तो ये आपका SX20 हो जाएगा। ठीक है, रेजिस्टेंस आपका सेम रहता है, रेजिस्टेंस आपका डिपेंड ही नहीं करता है कि आपका कितना करंट आ रहा है, कितना इंड्यूस्ड वोल्टेज हुआ, रेजिस्टेंस एक कॉन्स्टेंट क्वांटिटी है इसलिए आपका वो डिपेंड नहीं करता है। चलिए वापस से हम सारी बातें कर लेते हैं। रेजिस्टेंस हमारा स्लिप स्लिप पर, अब किसी एट स्लिप एस पर मान रहा हूँ मैं सारी बातें, अब ये स्टैंड स्टिल कंडीशन नहीं रही है, तो यहाँ पर ये आर टू हो गया। आर टू के बाद अगर अपन एक्स टू एस की बात करें तो आप इसको क्या लिख सकते हो, ओमेगा एल टू, ओमेगा टू लिख सकता हूँ मैं, ओमेगा टू एस लिख देता हूँ और एल टू लिख देता हूँ। तो ओमेगा टू एस को क्या लिख सकता हूँ, टू पाई F2S लिख दूँ, ठीक है, और L2 लिख देता हूँ, फिर 2 पाई F2S की जगह क्या लिख सकता हूँ मैं, SF1 लिख दूँ और फिर L2 लिख दूँ। चलिए अब आपकी जो SF1 है तो ये आपका, ये नहीं, SF1 को आप छोड़ दीजिए, इस S को आप छोड़ दीजिए सिर्फ, और अगर आप 2 पाई F1 L2 देखेंगे तो ये आपकी पहले वाली बात हो गई। मान लीजिए इस पर अगर आप स्लिप 1 कर रहे हो तो आपकी स्टैंड स्टिल कंडीशन बन रही है, तो आपने जो फॉर्मूला पहले लिखा था इस पेज पर, जो आपने फॉर्मूला लिखा था ये रहा, तो 2 पाई F2 L2 लिखा था, F2 की जगह F1 भी लिख दे तो कुछ गलत नहीं होगा यहाँ पर, तो आपका ये X20 है। उसी तरीके से अगर मैं यहाँ पर F1 लिखा है तो इसको मैं S इंटू इस पूरी क्वांटिटी को X20 लिख दूँ तो कोई गलत नहीं होगा, तो ये X2S बन गया मेरा, एक फॉर्मूला डेवलप हुआ। ठीक है, इसके बाद अपन बात करते हैं Z2S की, तो Z2S क्या हो जाएगा, R2 प्लस JX2S। अब आपको X2S की जगह क्या लिखना है, R2 प्लस JS X20, बहुत ही सिंपल है। ठीक है, इसके बाद पावर फैक्टर की बात कर लेते हैं, करंट की बात कर लेते हैं, चलिए करंट की पहले बात कर लेते हैं, I2 करंट की हम बात करते हैं भैया, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा E2S अपॉन Z2S। चलिए E2S को क्या लिख सकते हो, S into E20, और Z2S को क्या लिख सकते हो, R2 प्लस JS X20। बहुत ही सिंपल सी है ये सारी चीज़ें, अगर आपको याद रहेगी ना आप क्वेश्चन ऐसे चुटकियों में सॉल्व कर देंगे वहाँ पर। और इसके बाद क्या होगा, cos φ2 की बात कर लेता हूँ, तो ये मेरा हो जाएगा R2 अपॉन Z2S, यहाँ पर आप मॉडिफिकेशन करके वो भी लिख सकते हैं। तो अब देखिए एक चीज़ मैं आपको और बता देता हूँ, वो मैंने इस वीडियो में अभी तक नहीं बताई है, अगर आप E1 की बात करेंगे, E2 की बात करेंगे, तो इनकी भी कुछ वैल्यूज़ होती है। वैल्यूज़ क्या होगी, वैल्यूज़ आपकी इस चैप्टर में आपको पता नहीं लगने वाली है, क्योंकि आपने पहले ही आगे वाला चैप्टर पढ़ लिया है। सबसे पहले हमको पढ़ना चाहिए था सिंक्रोनस मोटर, या फिर सिंक्रोनस जनरेटर, या फिर अल्टरनेटर बोल सकते हैं, F5T1, 4.44 KC, KD, F2 φ2 φ T2, ये सब चीज़ें यहाँ पर EMF की वैल्यूज़ होंगी,
तो इसके अंदर आपको पता होना चाहिए। देखिए जनरेटेड ईएमएफ जो है वो आपकी ये फॉर्मूला होता है उसका, इसके अंदर इसका डेरिवेशन होता है बकायदा। ये आपको कॉर्डिंग फैक्टर या फिर पिच फैक्टर बोल सकते हो, इसको डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर बोलते हैं। एक वाइंडिंग फैक्टर होता है जो कि केसी और केडी का मल्टीप्लिकेशन होता है। तो ये सब क्या होते हैं क्या नहीं होते हैं, इनका एक अलग टॉपिक है। ये पूरा इनके भी कुछ वैल्यूज़ होती है, ये सब एक अलग टॉपिक है। उसके लिए हमको 3 से 4 वीडियोस और बनाने होंगे। तो अगर आप रिक्वेस्ट करें, मतलब रिक्वेस्ट क्या करेंगे, अगर आपको ये चीज़ें पहले से पता है, इनकी बेसिक नॉलेज अगर आपको है, तो कोई दिक्कत नहीं है, आपके चैप्टर में ये टॉपिक ज़्यादा काम आने वाला नहीं है, ये सिर्फ यहीं काम आएगा।